देखिए आडवाणी जी ने, उनके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है तुम आए तो सही, बहुत देर कर दी उन्होंने। लगातार हम सड़कों पे कोहराम मचा हुआ था कि वैचारिक विरोध का मतलब सत्ता प्रतिष्ठान से उसका मतलब राष्ट्रद्रोह नहीं है, राष्ट्र का विरोध नहीं है। मोहब्बत अगर मुल्क के लिए देखनी हो तो प्रधानमंत्री जी तराजू पे तौल लीजिए, अब बहुत हल्के पड़ जाएंगे। करोड़ों लोग आपसे ज्यादा इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं, लेकिन वो पैमाना नहीं होना चाहिए। ये तय होना चाहिए कि राजनीति में हम एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं, विरोधी हैं, हम दुश्मन नहीं है। ये जो वॉर वाली जुबान मोदी जी और उनकी टीम लाई है ना, आज पहली बार आडवाणी जी बोले हैं, और मैं समझ रहा हूं कि लगातार जो विपक्ष कह रहा था, आवाम कह रही थी, आज उस बात पे मोहर लग गई। देखिए अब मैं सीधी बात कहता हूं, प्रक्रियाएं अपनी जगह होती हैं, प्रक्रियाओं पे काम होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन रफाल में जिस महापुरुष को पिछले दरवाजे से लाया गया, उस महापुरुष ने कागज पर भी कभी हवाई जहाज नहीं बनाया और जेपीसी से भागते रहे, तो लोगों के मन में शंका एक हुई है। इसलिए जो वो स्लोगन बहुत हो गया प्रचलित, मैं जहां कहीं बिहार में जाता हूं कि चौकीदार फलाना है, ढिमकाना है, ये चीजें क्यों हुई, ये तो प्रधानमंत्री को गौर करना होगा। और कानून बराबर है, एक बार सब चीजों की जांच पड़ताल होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, तो जेल एक रास्ता उसमें है। मैं तो राजनाथ सिंह जी की मजबूरी समझता हूं, वो बहुत कंफर्टेबल नहीं है इस भाजपा में, उनकी बॉडी लैंग्वेज कंफर्टेबल नहीं है, बहुत असहज है, क्योंकि किसी का अहंकार राजनाथ सिंह जी बर्दाश्त कर लें, और वो इतने वर्षों से ढाई लोगों का अहंकार बर्दाश्त कर रहे हैं, कुछ भी कह लें, जिस चौकीदार की कस्टडी में चौकी गायब हो जाए वो चौकीदार नहीं है, उसके लिए कोई और उपमा ढूंढिए, और उपमा लोगों के पास है। 30,000 करोड़ रफाल बिना प्रक्रिया के, राजनाथ सिंह जी आप में अगर है तो आप कहिए ना कि जेपीसी करवाओ, जेपीसी में ये पता चलेगा कौन सी फाइल नोटिंग रखी गई, कौन सी फाइल नोटिंग हटाई गई, कहां व्हाइटनर लगाया गया, कहां इरेजर लगाया गया, दूध का दूध पानी का पानी। देखिए मैं तो इसको सीधी बात समझता हूं, 4.5 साल से यही सब सुन रहा हूं, खबरें बनाई जाती हैं, सनसनीखेज होती हैं, और ईडी, आईटी और सीबीआई, मुआफी के साथ कहना चाहता हूं कि इन तीनों संस्थाओं की विश्वसनीयता न्यूनतम सूचकांक पे है, ये भाजपा के गठबंधन सहयोगी हैं। आज हम में से कोई छत पे चिल्ला दे मोदी जी हम आपका विरोध करते हैं, यकीन दिलाता हूं तीनों एजेंसी एक साथ या अलग अलग आपके दरवाजे पे आएगी, क्योंकि इनका ये तरीका हो गया है कि राजनीतिक लड़ाई लड़नी हो तो इनको ढाल बना के लड़ो, अभी और आएगा, अभी तो पहला फेज भी नहीं हुआ। सेपरेट एजेंडा, देखिए दोनों व्यक्ति में से, चाहे मिस्टर आदित्यनाथ हो या मिस्टर गिरिराज सिंह हो, इनकी टिप्पणियों पर टिप्पणी करने का भी दिल नहीं करता, ये दोनों, एक व्यक्ति सिर्फ मठ चला सकता है और दूसरा व्यक्ति पाकिस्तान के काउंटर पर बैठ करके वीजा डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, इसके अलावा इनके पास कोई सोच और समझ नहीं है। वो मुस्लिम लीग जिसकी सदारत जिन्ना करते थे, और ये मुस्लिम लीग, उनको अगर इतना इतिहास नहीं पढ़ा है इन्होंने, तो मैं तो इनको कहूंगा कि एनसीईआरटी की बेसिक टेक्स्ट बुक पढ़िए, लेकिन आप पढ़ेंगे नहीं क्योंकि आप पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं हैं, आप आरएसएस की अफवाह मशीनरी के 25 पन्ने का जो इतिहास है ना, जो इसमें इतिहास के नाम पर कूड़ा कचरा है, वो आपके दिमाग में कूड़ा कचरा बैठा हुआ है। देखिए मैं 100% इसके साथ सहमत हूं, बड़ी कोशिशें हुई थी और तो किताब में भी है जिक्र, बहुत कोशिशें हुई थी, लेकिन एक बात तय करना होगा, लालू जी ने सब कुछ हटा करके 15 में गठबंधन किया था दक्षिण पंथी तानाशाही के खिलाफ, क्या हासिल हुआ हमें, किस प्रकार के भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगवाए गए भाजपा के माध्यम से, ताकि अपने इनके जो कुछ कारनामे थे जो भाजपा की पकड़ में थे, जैसा दिल्ली में लोग कहते हैं, उससे बचने के लिए उन्होंने ये शॉर्टकट अख्तियार किया। राजनीति में जो व्यक्ति अवसरवाद को अपनी विचारधारा मान लेना, उस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए दोबारा भरोसा नहीं किया हमने। मुझे तो कतई नहीं दिखता है, नीतीश कुमार जी को अपनी राजनीति का डिलीट बटन दबा लेना होगा, फिर उसके बाद कुछ बचेगा नहीं उनके पास, क्योंकि नीतीश कुमार जी एक साथ अवसरवाद कुमार हो गए हैं और बेबसी कुमार हो गए। अवसरवाद और बेबसी का जब एक तालमेल होता है ना, उस व्यक्ति के साथ कोई रिश्ता बनाना, मैं समझता हूं उससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण निर्णय कुछ नहीं होगा। उनके तरफ से किसने पहल की थी, प्रशांत किशोर ने पहल की थी? जो आप चीजें देख रहे हैं वो सारी चीजें अब तो पब्लिक डोमेन में भी आ गई। देखिए एक बात आप लोगों को तय करना, आपके माध्यम से आप मीडिया के साथ ही हैं, उनके पति रेप के आरोपी हैं, क्या उनकी पत्नी दागदार हो जाती है उस वजह से, ये फर्क हमें समझना होगा। और अगर ये फर्क हम नहीं समझ रहे हैं तो पूरी फेहरिस्त सामने आनी चाहिए कि कैसे जिनको अपने राज्य में घुसने का अधिकार नहीं था, जो अपने राज्य में नहीं जा सकते थे,
जिनको तड़ीपार के नाम से जाना जाता है, जैसे कैसे सीबीआई ने एक्विटल को चैलेंज ना करने का निर्णय लिया, तो वो सारी बात खुलेगी, बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी। लेकिन राबड़ी देवी जी ने कल मंच से कहा कि यादव को दो चीजें अलग अलग थी। राजबल्लभ यादव जी का मामला अलग है और यादव समुदाय, पिछड़ा समुदाय, दलित समुदाय लगातार 4.5 वर्षों में आहत रहा है। ये दोनों चीजों को जब हम मिला देते हैं ना तो कहानी दूसरी दिखती है, इसको अलग अलग देखना चाहिए। पूरे भारतवर्ष में रोहित बेमूला से लेकर के अब तक क्या हुआ है, दलित बहुजन समाज को हाशिए पर धकेला जा रहा, उनके संवैधानिक अधिकार आरक्षण, SC ST एक्ट का डाइल्यूशन हुआ, प्रधानमंत्री जी 2.5 महीने चुप बैठे रहे, सड़क पर अगर कौम नहीं उतरती तो ये चुपचाप बैठे रहते, वही 13 पॉइंट रोस्टर में हुआ। उनका कहने का मतलब था कि दलित बहुजन समाज को मध्ययुगीन बर्बरता में मोदी जी और उनकी टीम ले जाना चाहते हैं, इसलिए हमें जागने का हमारा वक्त आ गया।